गाइज, अगर आप भी 21 डेज में अपना ओवरऑल बॉडी फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो बस मेरी बताई हुई ये आसान सी 3 एक्सरसाइजेस फॉलो कर लीजिए। ये सुपर डुपर इफेक्टिव है जो आपके ओवरऑल बॉडी फैट को बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट कर देगी। इस वीडियो में बताई जाने वाली सारी एक्सरसाइजेस यानी जो 3 एक्सरसाइजेस हैं आपको रेगुलर ना करते हुए ऑल्टरनेटिव डेज में करना है। नेक्स्ट डे आप मेरे चैनल में से कोई और बॉडी पार्ट का वर्कआउट ले सकते हैं, क्योंकि जब हम डेली कोई भी बॉडी पार्ट वर्कआउट करते हैं तो उससे आपके उस बॉडी पार्ट पर इफेक्ट आना बंद हो जाता है। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए और उसके बाद में आपको जंप करते हुए कंटिन्यूस फ्लो में आपको अपने टोज को टच करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको टच करना है, लेकिन स्पीड में। कैसे? आप मुझे देखें और उसके बाद फॉलो करें। एक तो होता है बिल्कुल स्लो स्लो, इससे आपका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप फास्ट फास्ट करेंगे तो इससे आपका शोल्डर, आपके आर्म्स, आपके लेग, आपके ग्लूट, आपका लोअर टमी बहुत अच्छे से टारगेट होगा। मतलब आपके ओवरऑल बॉडी फैट को बहुत अच्छे से टारगेट करेगा, वहां की मसल्स को स्क्वीज करके मतलब उसको टोन करेगा, वहां के फैट को रिड्यूस करेगा। तो आपको उसको करना है 80 बार रिपीट। पहले 20 टाइम्स आप करें, 10 सेकंड्स का रेस्ट लें, देन उसके बाद दोबारा 20 टाइम्स करें। ऐसी उसको आपने 80 बार रिपीट करना है सेम टाइमिंग में। ऐसा नहीं कि सुबह 20 बार कर लिया, शाम कर लिया, दोपहर कर लिया, ऐसा नहीं। सेम टाइमिंग में आपको उसको 80 टाइम्स रिपीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डन। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसके लिए हम करेंगे स्क्वाट। नॉर्मल स्क्वाट जो हम करते हैं, स्क्वाट करना आप अपने हैबिचुअल बना लीजिए कि आपको करना ही करना है ऑल्टरनेटिव डेज में, बिकॉज ये आपके थाई को, आपके ग्लूट मसल को, आपके हैमस्ट्रिंग को, आपके काफ मसल को बहुत अच्छे से टारगेट करता है। ये जो काफ हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, थाई हो गया, ग्लूट हो गया, तो इसको हमें करना है 80 बार रिपीट। बहुत कम बता रही हूँ, हो सके तो ग्रेजुअली अपने आप से डे बाय डे इंक्रीज करते रहना प्लीज। तो चलिए स्क्वाट करते हैं। स्क्वाट में एक चीज आपको और बता देती हूँ, आपने हमेशा अपने हिप को बैक साइड पे रखना है, कमर को स्ट्रेट रखना है, और जब आपने अपने घुटने खोलने हैं तो मेक श्योर आप पूरे नहीं खोलेंगे, इतने बेंड रखेंगे। बहुत लोग, बहुत सारी वीडियोस आपने देखा होगा, स्क्वाट के टाइम ये नीज लॉक कर लेते हैं। अगर आप नीज लॉक कर लेते हैं ना, तो लाइफ लॉन्ग के लिए आपके घुटनों में तकलीफ हो जाएगी। ये गलती आप मत करना, मैं दिखाती हूँ कैसे। ठीक है, मैंने आपको इसलिए साइड पोस्चर से दिखाया है, हर पोजीशन में देखना। मैं अपने घुटने कभी लॉक नहीं करती, मतलब इस तरीके से स्ट्रेट नहीं करती, हमेशा उसको स्लाइटली बेंड रखती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, गलत स्क्वाट बिल्कुल भी मत करना, और अपनी कमर से मत उठना। बहुत सारे लोग स्क्वाट में कमर से उठते हैं, आपको अपनी लेग्स पे प्रेशर डालना है, उस पर रुकना है, तो आपको बैक बोन की मतलब बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली और लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब बारी आती है हमारी लास्ट एक्सरसाइज की। ठीक है, इसके लिए आपको जंप करना है और देन आपको उसके बाद में माउंटेन क्लाइंबर करना है। किस तरीके से, देखते जाइए। थ्री टाइम्स अगेन जंप, रिलैक्स। यही वाली हालत होने वाली है, बहुत बुरी वाली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं।
गाइज आई होप कि आपको मेरा ये प्यारा सा वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा और आई नो कि जब ये वर्कआउट करने के बाद आपकी भी सांसें बहुत ज्यादा फूल रही होंगी। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, स्ट्रेस ना तो किसी को दो ना ही दो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।